शिक्षा क्षेत्र के अंदर स्कूल स्तर के बारे में ही आपसे और आपके माध्यम से नाहन विधानसभा क्षेत्र की जनता से चर्चा करना चाहूँगा। हमारा समय 4.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। 4.5 साल के इस छोटे से समय में हमारे जो जमा दो के स्कूल हैं, प्लस टू के स्कूल हैं, उनमें भवनों के निर्माण के अंदर एक बहुत बड़ी गति आई और वो गति अगर हम उसकी तुलना करके देखेंगे तो पहले से बहुत ज़्यादा है। मैंने एक बार पहले आपके सामने जिक्र किया था कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जमटा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंजाहल, गवर्नमेंट हाई स्कूल बनकला, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोगिनंद, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालाम, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चाकली, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल विक्रमबाग आदि ऐसे स्कूल हैं जहां पर हमने और 30 लाख रुपए से लेकर के 70 लाख रुपए तक के भवन वो बनाए हैं और विद्यार्थियों के लिए समर्पित किए। अभी हमारा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनेठी, गवर्नमेंट हाई स्कूल निहोग और ऐसे स्कूल अनेक हैं जिनके भवन पूर्ण होने वाले हैं, निर्माणाधीन हैं। हमें तब बहुत खुशी होती है जब कालाम जैसा स्थान जहां पर पिछली सरकार के दौरान जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के इंडस्ट्री के माध्यम से कभी एक कमरा बन रहा है, कभी दो कमरे बन रहे हैं, तो ऐसे में वो स्कूल अपने आप में ऐसा लगता था जैसे कोई छोटा मोटा विद्यालय है, विद्यार्थियों की संख्या बहुत होने के बावजूद। आज वहाँ पर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग वो विद्यार्थियों को समर्पित की गई है। आज मुझे आपके माध्यम से जो नई अचीवमेंट्स हैं वो बताने का अवसर मिला है। हमारा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोलर बेहतरीन स्कूल है और कोलर के स्कूल के अंदर नई साइंस लैब बनाने के लिए हमारी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने 1.5 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है। बहुत जल्दी हम इसका शिलान्यास करेंगे, भवन निर्माण का काम शुरू करेंगे। हमारा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नौरंगाबाद के नाम से धौलाकुआ में है, वहाँ 72 लाख रुपए की बिल्डिंग की स्वीकृति और हमको मिली है। बहुत जल्दी उसके भवन की दूसरी मंजिल का काम भी शुरू करेंगे और पहले हमने एक मंजिल का कार्य शुरू किया था, उसका उद्घाटन लोकार्पण भी करें। मैंने आपके सामने रखा हमारा एक बेहतरीन स्कूल है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोगिनंद। मोगिनंद में अभी हमने नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया और आज फिर दोबारा 62 लाख रुपए की एक और बिल्डिंग, उसकी AANDS और पैसे लेकर के आए हैं। बहुत जल्दी उसका भूमि पूजन करके नए भवन का निर्माण शुरू करेंगे। और इतना ही नहीं, वो क्वालिटी स्कूल है, उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए 2.5 करोड़ रुपए की साइंस लैब वो वहाँ पर निर्मित करने जा रहे हैं। उसकी भी AANDS और उसका एक्सपेंडिचर सैंक्शन और पैसा हमें स्वीकृत हुआ है। मैं ध्यान कराना चाहता हूँ कि हमारी जो बीजेपी की पहली सरकार थी और भाई विनय जी यहाँ बैठे हैं, इनके प्रयासों से बर्मा पापड़ी में साइंस लैब घोषित हुई, पैसा आया, शिलान्यास हुआ, पर पिछली कांग्रेस की सरकार में उसका निर्माण नहीं हुआ, वो भी हमने पूरी करके उसका लोकार्पण किया है विद्यार्थियों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। हमारा
एक हाई स्कूल है जिसका नाम है वो जो ऊपर में मलगांव गवर्नमेंट हाई स्कूल मलगांव, अगर आप जाकर के देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे पशुशाला के अंदर बच्चे बैठते हैं। और मैं वहाँ गया, जाकर के उसकी DPR एस्टीमेट बनाया और 52 लाख रुपया वहाँ के लिए हमने मलगांव के लिए भी सैंक्शन किया है। बहुत जल्दी उसका भी कार्य हम शुरू करने वाले हैं। इस प्रकार बहुत सारे स्कूल हैं। जंगला भूड का हमारा हाई स्कूल है, वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल बनाने के लिए अभी 38 लाख रुपए की सैंक्शन दी है। कोल आपको स्मरण कराना चाहते हैं कि सुरला की साइंस लैब बनाने के 2 करोड़ रुपया भी दिया, और वहाँ पुरानी बिल्डिंग है, शायद स्टेट टाइम की पुरानी बिल्डिंग है, उसकी रिपेयर के लिए 29 लाख रुपए की अभी सैंक्शन दी है। मैं यानी भवनों के सुधार के लिए एक क्रांतिकारी स्थिति हमने निर्माण की है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज नाहन, वहाँ 40 लाख रुपए का भवन बन रहा है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज नाहन, वहाँ पर हॉल का पैसा 12 लाख रुपए दिया है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स नाहन, 49 लाख रुपया उसकी रिपेयर के ऊपर कंप्लीट लगा करके उसको रिपेयर किया, उसमें लीकेज होती थी। ऐसे कोई स्कूल ऐसा नहीं छूटा जिसके अंदर हमने और प्रयास नहीं किया। हम इसके लिए इलाका वासियों को बधाई देते हैं आपके माध्यम से, और जयराम ठाकुर सरकार का और नरेंद्र भाई मोदी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। मैं चंद चीज़ें शिक्षा में सुधार की दृष्टि से आपके सामने और आपके माध्यम से आगे रखना चाहूँगा। अभी हमारे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रीगढ़ वाला, ये अभी हमने नया शुरू किया, पिछले महीने इसकी क्लासेस शुरू की हैं। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कून, ये अभी शुरू करना है, अभी अपग्रेड हुआ है। 3 गवर्नमेंट हाई स्कूल ये अभी अपग्रेड हुए हैं, इसके अंदर गवर्नमेंट हाई स्कूल कोतेवाला, गवर्नमेंट हाई स्कूल इसमें पढ़ के बोलेगा गवर्नमेंट हाई स्कूल देव का और गवर्नमेंट हाई स्कूल नल का, तो 3 मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाया है, इनकी भी नोटिफिकेशन हो गई है। और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारा बोहलियों, इसको बनाया है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जंगला भूड को बनाया है, और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोक्यो, ऐसी ये 3 स्कूल हमने हाई स्कूल से और प्लस 2 किए हैं। और यहाँ पर हम रुकते नहीं हैं, हमारे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरिपुर खोल में साइंस मेडिकल और नॉन मेडिकल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंजाल में साइंस मेडिकल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बर्मा पापड़ी में साइंस मेडिकल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल विक्रम बाग में कॉमर्स, और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सैनवाला में कॉमर्स, ये क्लासेस अभी सैंक्शन कराई हैं। यानी हमारे यहाँ जो स्कूल स्तर की शिक्षा है उसकी गुणवत्ता में सुधार में 4.5 साल के अंदर जो क्रांति आई है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। मैं एक विषय और ध्यान लाना चाहूँगा कि नाहन विधानसभा क्षेत्र में शायद ही कोई स्कूल होगा जिसके अंदर अध्यापकों की कमी है। हमारे सभी स्कूलों में माकूल मात्रा में अध्यापक उपलब्ध हैं, अर्थात
शिक्षा की गुणवत्ता के प्रति गंभीरता। ये सब शहर में साइंस ब्लॉक के पीछे एक प्राइमरी स्कूल है, उसका जितने वो काफ़ी टाइम जो खंड रहे थे उसको मेरे ख्याल आपके याद है, जहाँ दिल्ली गेट का सिर्फ शिमला वाली वो एक हेरिटेज स्कूल है, वो काफ़ी दयनीय स्थिति में है, तो क्या वो भी है आपके इसमें प्रपोजल में? अभी मैं उसकी ज़्यादा चर्चा किसी और कारण से नहीं करूँगा क्योंकि उसके अंदर मामला कोर्ट में गया हुआ है। मैं और भी बात करूँगा, अभी इतना सारा सुना रहा हूँ, इसको तो सुन लो सर, उसको फिर करते हैं। हाँ जी, नहीं ये अप्रिशिएट करने का विषय कि इतने सारे स्कूलों में भव